आज नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री को एक सच्चाई से अवगत कराया कि लोग जो राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग रखी कि राजस्थान में व राजस्थान के बाहर से आने वाले के लिए ऑफलाइन पास देने, साधन मुहैया करने व खाने पीने की सरकार को जल्द से जल्द सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। राजकुमार शर्मा ने आज आम आदमी की आवाज बनकर बात की और कई सवाल उठाए, जिसमें मुख्यमंत्री ने कुछ गुस्से लहजे में जवाब भी दे डाला, पर विधायक ने गुस्से को पल भर में ठंडा कर दिया और कह डाला आप गुस्सा मत करिए। तो इस पर पलटकर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, वो सबके दिल को छू गया कि बोले हीरो पर कभी कोई नाराज होता है क्या, और कहा आपकी हर बात मानने के लिए विचार किया जाएगा। आप इसमें प्लीज कलेक्टर के अलावा भी आप ऑफलाइन भी उनको आप अनुमति दे दीजिए। मैं कह रहा हूं हम नहीं रोक पाएंगे सर, सड़कों के ऊपर अभी भी मैं यहां पे आया हूं सर, रस्ते के अंदर हजारों लोग राजस्थान की सड़कों पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है सर। आपका सपना है, आपका संकल्प है कि मेरे राज्य में कोई भूखा सोएगा नहीं, उठेगा जरूर सर। ये संकल्प भी हमारा होना चाहिए कि चाहे वो अन्य राज्यों के लोग हैं लेकिन अगर राजस्थान के निवासियों जा रहे हैं तो सड़कों के ऊपर दम नहीं तोड़े सर। पहले नोटबंदी के अंदर सैकड़ों लोगों ने लाइन में लगना सर तोड़े हम तोड़ा सर, और आप तो मेहनत कर रहे हो सर। मालूम है प्रश्न कभी लगी हुई राजस्थान के अंदर कैंपोनमेंट के लिए और कैंपोनमेंट इसी बात तुम करो इसे तुम बेटे में चीज हुई सर। राजस्थान के अंदर आगे बात कर रहे हो बताओ तो सड़कों के पत्ते लगा दी गई, कैंप लगा दिए गए और कैंपों में उन्होंने कितनी हजार रुपए लग गए वो तो समझ क्या चल रहे। मैं सर वो ही कह रहा हूँ कि जो ट्रेनों से कटे लोग जो जो सड़कों पर मर रहे हैं 76 में राजस्थान की बात करें, राजस्थान के घर से जो जा रहे हैं सर उनको हम लोग वहां तक सीमा तक पहुंचा है सर। मैं उनकी बात कर रहे हैं आगे वाले यूपी के बॉर्डर पर जो कटे गए हैं वहां पर वो हेलो नहीं कर रहे हैं कि जो आगे रहने वाले झारखंड और बिहार उसके दौरान पर हम नहीं कर रही है सारी समस्या के समाधान करना हम सब लगे बैठा। आप बताओ आपके घर में नहीं रखते हैं क्या, पहले चले वो लोग वहां पर सुनते हैं सर, इसलिए बात करने की हिम्मत हो जाती है, वरना आपसे पहले जो मुख्यमंत्री थी
तो एमएलए 90 डिग्री होकर बात करते थे, आपको पता है सर इस बात का, और आप सुनते हो इसलिए हम लोग ये बातें कहने की हिम्मत करते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है सर, ये सिर्फ जिला जिस पर मंच हो रही है, आने की परमिशन के लिए भी आप उनको कह दीजिए, सब लोग समझदार है सर, सब लोग अपने पहली जारी कर चुके हैं, तो लोग सब अपनी जान की हिफाजत करते हुए घर आ जाएंगे, दरबार से कर दो, कोई भी रुकने वाला है। आप मुझे कहना, आप सुनोगा, थैंक यू सर, थैंक यू।